From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. इसके अंदर से आपको एक और सर्कल लेना है. इसका रेडियस क्या है आपका 3 सेंटीमीटर. ये क्या है 3 सेंटीमीटर. तो अंदर का जो 3 सेंटीमीटर का रेडियस का जो एरिया है वो रिमूव हो गया. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट. तो रिमेनिंग सीट के लिए आंसर इसका होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट. एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट में देखो आपको किसका एरिया निकालना है. आप ये बड़े सर्कल में आप ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आपको इसका एरिया रिमूव करना है. मींस होल सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये आपका 4 सेंटीमीटर का जो आपका रेडियस है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर. मैं कैपिटल आर ले लिया क्योंकि आर आपका 4 सेंटीमीटर है और स्मॉल रेडियस 3 है इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर में आर यहाँ स्मॉल ले लिया. तो आपको मैक्सिमम रेडियस का एरिया में अगर आप मिनिमम रेडियस का एरिया को आप रिमूव करोगे तो ये आपका रिमेनिंग एरिया आपका निकल जाएगा. तो इसमें आप पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर आप पाई कॉमन ले लो बेटा. तो पाई कॉमन ले लो तो ये होगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो आप ये पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में आप लो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर. ओके तो ये फॉर्मूला में आपका पाई का वैल्यू क्या लोगे आप ये ले लो पाई ब्रैकेट में आपका आर प्लस आर ये आर माइनस आर. सो पाई इक्वल टू 3.14. नाउ अब रेडियस देखो आर की वैल्यू क्या है 4 और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 3. समझ रहे हो क्वेश्चन को? यस सर. तो 4 प्लस 3 क्या होगा आपका 4 प्लस 3 7. यस और ना ये आपका 4 माइनस 3 होगा. ओके 4 माइनस 3 सो दिस इक्वल्स 3.14 इनटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7. अब आप 7 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से क्या आ रहा देखो आप 21.98 अच्छे से करना. किस यहाँ से आवाज आ रही है? ओके सो रिमेनिंग एरिया आपका 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया ये? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर देखो अब आपका क्या है 7 देखो आप है ना. फाइंड द एरिया ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर. आपको ये ये फिगर दिया है ना. ये फिगर में आपको क्या निकालना है फाइंड द पेरीमीटर. सो व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर. क्या होता है पेरीमीटर बताओ. पेरीमीटर क्या होता है चेतना? सर बॉर्डर. सर जो आउटलाइन जो बॉर्डर रहती है उसको. यस वेरी गुड. सो देखो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा बेटा आपका? पाई आर स्क्वायर. नहीं नहीं वो एरिया हो गया. पाई आर स्क्वायर आपका एरिया है. पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल लेंथ और पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर. ये आपका वन सर्कल है तो इसका पेरीमीटर हो रहा है 2 पाई आर. अगर मैं वन सर्कल को मैं हाफ कर दूं 1/2 मीन्स हाफ सर्कल तो हाफ मीन्स आप ये हाफ इधर भी करोगे 2 2 कैंसिल हो गया तो ये आपका क्या होगा पाई आर. सो
perimeter of circumference of the perimeter or circumference of the circle equal to 2 pi r. मैं इसे half कर दूं, half circle. तो half circle में सिर्फ क्या होगा, ये आपका pi r हो गया. तो अब आप कैसे निकालोगे बेटा ये pi r? आपका ये actual में ये diameter दिया है. diameter क्या दिया है? 10 centimeter. So आप radius क्या निकालोगे आपका? radius का formula क्या होता है? diameter upon 2 means 10 upon 2, 10 को 2 से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर. तो आपके लिए ये जो इसका रेडियस आ गया, रेडियस क्या आया? 5 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ ये? यस सर. अब आप इस फिगर का आप पेरीमीटर निकालो. आपको रेडियस भी मालूम है 5 सेंटीमीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हाफ सर्कल का. पेरीमीटर क्या होगा आपका? पाई आर. तो आप फाइंड करो इसका क्या होगा पेरीमीटर. जिया सर 25.71 सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन? नो सर. सर हो गया. आंसर क्या है आपका सर? 25.71 सेंटीमीटर. यस. ये सब क्वेश्चन क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप. आपको एक टेबल है जिसका टॉप पोर्शन कैसा है बेटा? आपका एक सर्कल का जैसा है. ये आपका सर्कुलर शेप में टेबल का टॉप है विथ डायमीटर. आपका डायमीटर इक्वल टू क्या? 1.6 मीटर है. तो डायमीटर जब 1.6 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2. इट मींस 1.6 डिवाइडेड बाय 2 0.3 0.8. मैं तो सर 0.8. आप इसे ये डेसिमल को रिमूव कर लो तो 10 आएगा. तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 मींस 4/5. ये जो रेडियस आपका आया, रेडियस आपका आया 4/5 सेंटीमीटर. ओके, तो रेडियस आपका आ गया. अब आपको इसका एरिया निकालना है. एरिया, एरिया कैसे निकालोगे आप? सर्कुलर शेप है तो क्या होता है फॉर्मूला उसका? सर 2 × πr² एरिया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. एरिया आपका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तो पाई आप 3.14 इंटू रेडियस 4/5 है ना. 4/5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो बाद में. आप देखो हाँ, आपका आएगा 0.8. कैसे आ रहा है? मैं इसे यहाँ कन्वर्ट कर ही दे रहा हूँ. डी अपॉन टू मीन्स ये आपका 1.6/2. तो डेसिमल में रिमूव किया तो ये आपका 10 आ जाएगा. और ये 2 8 जा 16, सो 8/10. 8/10 मीन्स 0.8 आया आपका. सो नाउ अब आप 8/10 आपका 8/10 इंटू 8/10. मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये आपका रेडियस का स्क्वायर है. रेडियस का स्क्वायर मीन्स 8/10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस. सो 8/10 मल्टीप्लाइड बाई 8/10. अब आप इसे रिमूव कर दो बेटा ये 3.14, इसे भी डेसिमल में ये फ्रैक्शन में कर दो तो ये आपका 100 हो गया. तो एक्चुअली आपका कैलकुलेशन क्या आ रहा है? आप 314 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. ये आपका क्या आ गया? ये सेंटीमीटर न सॉरी ये डायमीटर आपका मीटर में इमेंस. ये आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया. अब ना अब आपको दिया है पॉलिशिंग इज रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर. ये आपका कॉस्ट है. रेट क्या है आपका? अब रेट, रेट इक्वल टू रुपीज 15 पर 1 मीटर स्क्वायर. मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पे अगर आप पॉलिश करोगे
तो उसका कॉस्ट आ रहा है 15 रुपीज। अगर आप टोटल इस एरिया पे आप पॉलिश करोगे तो आपका रेट क्या आएगा, तो कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि हम लोग रेट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके एरिया से, तो रेट आपका 15 है, 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और आपका एरिया 314 × 8 × 8 डिवाइडेड बाय 10,000, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। वंशिका डर करके दिखाओ ना। ओके, तो ये आप बेटा कॉपी में से सॉल्व करो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है, स्पेस नहीं, मैं ये कॉस्ट ले रहा हूँ। ओके, कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया, रेट आपका क्या हो गया 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इनटू एरिया आपका क्या है 314 × 8 × 8 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, मीन्स अब आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको रुपीज में आंसर आएगा। अब आप इसे कैलकुलेशन करो और सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई करो 314 को 8 × 8, 8 × 8 जा क्या होगा आपका 64, 64 को 314 से मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रहा है। करो सभी करो और आंसर बताओ अपना। 200.96। फिर से देखो क्या आपको 314 को मल्टीप्लाई करना है 64 से, क्या रहा बताओ। मम्मी जी मेरा मास्क ले के आओ क्या, दुकान से पीआर लाने का लाइट को देखो इसका कैलकुलेशन आप देखो 314 को ये पार्ट में रफ कर दो, नोट कर लियो इसे आप, ये नोट कर लियो। अपने आप को म्यूट कर देखो ना, अब ये देखो इसका कॉस्ट कैसे निकाल रहा हूँ। सो कॉस्ट इक्वल टू 314 को 8 × 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 जा 64 और 64 को 314 से मल्टीप्लाई करो तो 0096। हाँ, ये आपका आ रहा है 20,096 डिवाइडेड बाय ये 10,000 2.0096 मल्टीप्लाइड बाय 15 रुपीज। ये अब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो बेटा। ओके, सो डेसिमल में सॉरी, अब आप ये 15 को 15 को आप ये जैसे 1, 2, 3, 4 there are 4 0 in denominator means अब आपका decimal क्या होगा 1, 2, 3, 4 so decimal आपका 2.0096 multiplied by 15 rupees, तो 2.0096 को आप multiply करो 15 सर बताओ answer क्या आ रहा है। 30.144 रुपीज ये आपका आंसर आया। भाभ्या क्या डिस्टरबेंस आ रही बेटा आपके यहाँ से, मामा तू पीछे रह, साफ ब्रश बियर्ड्स दो और शैम्पू कौन सा है, अंदर मत जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप
वॉइस क्लियर नहीं है क्या हमारी? क्लियर है। ओके क्वेश्चन नंबर 9। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होगा, मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखो, साजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। एक वो वायर ली है जिसका लेंथ क्या है, 44 सेंटीमीटर का है लेंथ। जिस एक वायर है जिसका लेंथ 44 सेंटीमीटर, उसको हम लोग किस शेप में कन्वर्ट किए हैं, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया, मींस उसका एक सर्कल बना दिया, यानी उसका लेंथ है वो पेरीमीटर हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या आ गई आपको, 44। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये लेंथ में, लेंथ मीन्स क्या होगा आपका, पेरीमीटर। तो 2πr, 2πr का वैल्यू क्या आ गया आपका, 44। क्यों? क्योंकि वो शेप ऑफ सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर हमारा 44 होगा। यहाँ इसका लेंथ दिया है 44, इसलिए 2πr इक्वल टू 44। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है, तो ये आपका सर्कल हो गया, ओके, और ये आपका रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आपको निकालनी है। बट गिवेन दैट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2πr इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, 2π को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं, तो आपका 44 डिवाइडेड बाय 2π, तो 2 1 2 2 2 2 मींस 22 अपॉन पाई। तो पाई की आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा आपका, पाई की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आएगा 22, और पाई मींस 22 अपॉन 7, तो 7 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय ये 22, ये 22 22 कैंसिल हो गया, तो 7 मींस आपका रेडियस क्या आया, रेडियस आपका आया 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके नेक्स्ट। नो सर। हाँ, अब आपको क्या निकालना है इसका, ये रेडियस इसका आ गया 7 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस क्या आया 7 सेंटीमीटर। सो नाउ इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अब आपको सेम वायर जिसका लेंथ 44 है उसको किस शेप में बेंट करना है, स्क्वायर के शेप में बेंट करना है। तो स्क्वायर देखो, अब आपके लिए ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का हमें मालूम है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर, सो इसका पेरीमीटर इक्वल टू 4 × साइड, सो 4 × a, तो इसके पेरीमीटर क्या हो गया, 44 हो जाएगा। सो नाउ इट्स पेरीमीटर मींस 4 × साइड है आपका, 4 × साइड का पेरीमीटर क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर, सो ओनली वन साइड इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 को मैं ट्रांसपोज करूंगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 44 176 आएगा। 44 का 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 11, 11 4 जा 44, सो इसका वन साइड ऑफ ए स्क्वायर और इस साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर नहीं है, एरिया निकालना है ना इस क्वेश्चन में। क्या क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हैं फिर से बोलो सर। इस क्वेश्चन में एरिया निकालना है ना, एरिया भी निकालना बेटा। फर्स्ट एरिया आपको निकालने के लिए देखो, एक्चुअल में एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब तक आप आर, ये आर की वैल्यू अगर आप फाइंड नहीं करोगे तो आप एरिया कैसे निकलेगा, है ना। तो मैं आपको रेडियस निकाल दिया 7, अब आपको एरिया क्या निकालना है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई 22 अपॉन 7 और रेडियस आर की जगह आप 7 डालो और एरिया खुद निकाल लो आप। इसमें अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड, लेकिन अगर आपको साइड मालूम नहीं होता आप एरिया कैसे निकालोगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला से आपका वन साइड क्या निकल गया, इस साइड ऑफ स्क्वायर आपका 11 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू साइड 11 × 11, साइड का स्क्वायर मींस आपका साइड 11 निकला, तो 11 का स्क्वायर मींस 121 आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और इसका अगर एरिया आप निकालोगे, इसका एरिया 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस हमारा 7 है,
सेवन इंटू सेवन, सेवन और सेवन कैंसिल हो गया तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 प्लस 1 15, सो 154. तो अब ये सर्कल का एरिया क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया. अब आप देखो सर्कल का जो एरिया है वो क्या आया 154 और स्क्वायर का एरिया क्या है आपका 121. सुना 154 इज ग्रेटर देन 121, दैट्स व्हाई एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया इनक्लोज बाय द स्क्वायर. कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में? नो सर. अच्छा बाकी के लोग वीडियो में आओ जरा सभी कोई. विनीत कुमार जैन, जिया, वंशिका, ऋषभ, वीर जैन, दर्शन, वीडियो ऑन करो अपना. क्या होता है फॉर्मूला बताओ ये सर्कल का और स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला बताओ. मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटा आप मत बताओ, रुक जाओ. आदि जैन, आदि जैन, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल? आदि जैन अनम्यूट करो. आदि आदि सभी वीडियो अपना ऑन करो, है ना. चेतना, पीयूष, मौलिक, संस्कार, नैतिक, यसिता, जिया, ऋषभ, वंशिका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताओ. अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास. एरिया ऑफ स्क्वायर. मैं बताऊं सर? बताओ बेटा. सर मैं बताऊं? एरिया ऑफ स्क्वायर. मैं बताऊं? बताओ. 2π. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके एरिया ऑफ. सर मैं बताऊं? एरिया ऑफ सर्कल में पूछ रहा हूं ना. स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड होता है, पाई कहां से आ गया? हां वही तो. आप सर्कल का एरिया आपका होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड इनटू साइड. साइड इनटू साइड. अब रेक्टेंगल का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इनटू लेंथ. लेकिन मेरे पास तो रिप्लाई सिर्फ एक का आ रहा, चेतना का आ रहा, बाकी तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो. सर बोल तो रहे. यसिता और चेतना, आदि, मैं जब बार बार बोल रहा हूँ फिर भी आप वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट कर लिए हो. आप क्लास से रिमूव कर दो क्या आपको? आदि जैन, वंशिका, पार्स, फॉर्मूला याद किए हो या नहीं किए हो? सर कर लिए. नेक्स्ट क्लास में सिर्फ फॉर्मूला आपको पूछूंगा, एरिया का फॉर्मूला और पेरीमीटर का, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल. और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से रिलेटेड एक टेस्ट लूंगा, क्योंकि आप लोग ना तो देख रहा हूँ रिप्लाई नहीं कर रहा और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग को फॉर्मूला तक याद है. सो नेक्स्ट क्लास आप याद रखना, कोई स्टडी नहीं होगा, सिर्फ आपका टेस्ट होगा. वो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा और तुरंत उसका मार्क्स जो आपके पेरेंट्स को मैं भेज दूंगा थ्रू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैम के थ्रू उसका मार्क्स आपको मैं भेजूंगा. ये चैप्टर का आपका टेस्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास आपका. देख लो ये आपका 11.3 है ना, 11.1 और 11.2 का टेस्ट होगा आपका, ये पेरीमीटर का और एरिया का. यस सर. ओके बेटा. यस सर ले लो. थैंक यू बेटा, बाय. बाय सर. गुड डे. बाय सर. बाय सर. बाय बेटा, बाय. पढ़ाई करो बेटा मन लगाकर. Yes, sir.